बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बहुत ही कुछ खास होने वाला है क्योंकि आप लोग जान रहे हैं छठ पर्व है, तो आप देख ही रहे होंगे कि हम नदी के किनारे आए हुए हैं। तो देख सकते हैं यही रहा हमारे गांव का घाट। चलिए हम आपको दिखाएंगे यहां छठ पूजा मतलब किस तरह से मतलब पहले से मतलब तैयारी चल रहा है हमारे यहाँ। तो हम चल करके अभी दिखाएंगे किस तरह से हमारे यहाँ मतलब छठ पूजा के पहले से ही किस तरह से मतलब सजाया जाता है, वो सब हम आपको दिखाएंगे और मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। तो चलिए दोस्तों हम चल करके दिखाते हैं ऊपर का कुछ व्यू जो कि मतलब किस तरह से सजावटें मतलब हो रहे हैं, तो हम इसके मतलब दिखाएंगे आपको। बस वीडियो पे बने रहिए। आप देख रहे हैं जो यहाँ मंदिर है और ये जो बड़ा वाला मंदिर है ये विष्णु मंदिर है, और ये बगल में जो दिख रहे हैं छोटा वाला मंदिर ये मतलब छठी मैया का मंदिर है। तो बस मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और इस तरह का वीडियो मतलब हम मतलब कंटिन्यू लाते रहेंगे और बस आप बने रहिए। तो देख सकते हैं यहाँ छठ पूजा में कुदारी जो साफ़ करने के लिए है और कुछ लोग जो है यहाँ काम कर रहे हैं जो पंडाल बनाने की काम कर रहे हैं। मंदिर पर देख सकते हैं सीढ़ियाँ भी लगी हुई है, तो कुछ लोग मतलब शाम हो गए तो अपने अपने सब सामान अंदर रख रहे हैं मंदिर में। तो देख सकते हैं यहाँ कुछ बच्चे मतलब चंदा कर रहे हैं मतलब आने जाने वाले से, तो देख सकते हैं कुछ बच्चा यहाँ। और इस तरह से मतलब कुछ सवाजपुर घाट का व्यू रहा है। जो ये घाट पड़ता है पुनपुन का मतलब एक सवाजपुर घाट है ना जो बहुत नामी है, और देख सकते हैं इसका मतलब अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है पंडाल, मतलब ये दोनों तरफ पर्दा लगेंगे। और पिछले बार बना था इससे बहुत बेटर बना था, लेकिन इन साल भी लगता है कि पिछले साल से भी मतलब बेटर इन साल बनने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ दोनों तरफ से कपड़ा भी लग गए हैं और ऊपर से, और कल तक मतलब काम पूरा हो जाएगा, दोनों तरफ मतलब पर्दा भी लग जाएंगे और पूरा लाइट मतलब लाइट व्यवस्था पूरा हो जाएगा। तो कल का भी वीडियो हम दिखाएंगे आपको, बस ब्लॉग पे बने रहिए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का सवाजपुर घाट का व्यू रहा जो हमारे गांव के बगल में ही पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं बांस वाली कुछ मतलब गाड़ने उड़ने के लिए है। तो यहाँ देखिए इस तरह से कुछ व्यू रहा हमारे जो सवाजपुर घाट का है, जो मतलब ये घाट बहुत ही मतलब नामी घाट है। तो यहाँ बहुत दूर दूर से लोग मतलब आते हैं, मतलब गाड़ी से आते हैं, फोर व्हीलर से आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग मतलब यहाँ छठ पूजा करने आते हैं। ये घाट पर मतलब बहुत नामी है, सवाजपुर घाट पुनपुन में पड़ता है। तो दोस्तों बस दिखाते हैं हम आपको और भी वीडियो, बस बने रहिए ब्लॉग पे। तो देख सकते हैं शाम का समय हो गया है, तो देख सकते हैं गंगा जल कितना मस्त लग रहा है यहाँ। तो ये रहा गाँव जो कि मतलब इस मंदिर के बगल में ही पड़ता है, ये गाँव का नाम है उपरौल। तो गाँव का कुछ इस तरह से व्यू रहा, देख ही सकते हैं, और बगल में वो खिलानी खिला रहा है और कुछ लोग देखिए रद्दी में भैंस धो रहे हैं। तो देख सकते हैं मतलब ये जो देख रहे हैं आपकी घाट मतलब अभी बना नहीं है, बन जाएगा तो हम आपको दिखा देंगे। तो यहाँ कुछ लोग मतलब बातचीत कर रहे हैं मतलब घाट छीलने के लिए, तो कल से मतलब वो भी मतलब पूरा जो घाट उठ है मतलब साफ़ सफाई हो जाएगा, पूरा अच्छी तरह से अपने अपने घाट मतलब छिला जाएगा और बहुत काफ़ी सुंदर लगेगा। दोस्तों हम इसका ब्लॉग कल भी लाएंगे, तो बस मेरे ब्लॉग पर बने रहिए। अगर मतलब पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं।